हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार ये जगह कमाल की है ना? आई एम लविंग दिस प्लेस। यहाँ पे बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और होगा यार। सीमा वो देखो, अरविंद, अरविंद। क्या सीमा? तुम्हें आवाज सुनाई दी क्या? कौन सी आवाज? जो अभी आई थी। सीमा ये जंगल है, ऐसी आवाजों के चक्कर में पड़ोगी ना तो हो चुका। अरविंद मुझे भी पता है ये जंगल है, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। सीमा कम ऑन, सामने का नजारा देखो, कम फास्ट। कितने दूर और जाएंगे? अरे चलो यार। बहुत डर लग रहा है। तुम ना बेकार में डर रही हो। अरे चलो ना यार, ये जगह देखो तुम। Just look at that. मैंने कहा था ना अरविंद आवाज आ रही है। यार चलो। अरविंद देखा, मैंने कहा था ना। सीमा तुम रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 अरविंद प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज। यू वेट हियर, आई विल कम। और रस्सी को कस के पकड़ना है, रस्सी छूटनी नहीं चाहिए और पैर को जमा के रखो। हेलो, कोई है? कोई है? बचाओ, बचाओ! क्या हुआ? हेलो, कोई? हेलो! क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए। मार देगा, मार देगा, कौन मार देगा? मुझे भी मार देगा। वो कौन? रिलैक्स, रिलैक्स। कौन किसको मार देगा? एलियन, एलियन, एलियन। हाँ, वो मेरे पति को मार देगा। वो छोटा सा नीले रंग का, वो मुंह सबको मार देगा। आप लोग मेरे पति को बचा लीजिए। आप बताइए कहाँ पर है? कहाँ पर? आइए वो उधर। अरे अरविंद यहीं पर था। कहाँ पर था? अरविंद, अरे अरविंद, 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 अरविंद। वो यहाँ पे वो नीला एलियन, वो यहाँ पे, यहाँ पे बैठा हुआ था। अरविंद चलो आगे देखते हैं। अरविंद, अरविंद बचाओ, कोई है? अरविंद 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 गाइस, गाइस, अरविंद का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, ढूंढ रहे हैं। गाइस, हो एलियन, वो देखो, वो जा रहे हैं। अरे हाँ, वो एलियन है यार, वो क्या, वो क्या? चलो चलो चलो। हाँ हाँ, गाइस। अरविंद,
ले जाइए। वो इतना छोटा सा था, 3-4 फीट का, और बहुत अजीब सा था। उसका रंग भी नीला था सर। मैंने वो मेरे पति ने देखा, जैसे ही मेरे पति ने फोटो खींची ना, वो मुझे बट्टा मार दिया, उनको नोचने लगा, खरोचने लगा। सर मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं चली गई थी मदद मांगने। जब मैं इन लोग के साथ वापस आई तो मैंने देखा मेरे पति थे ही नहीं, और वहाँ पे वो एलियन भी नहीं था। तो सर हम लोग ने वापस ढूंढना शुरू कर दिया। आपको पूरा यकीन है कि वो एलियन ही था? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो एलियन था, और ऐसी कभी मैंने कोई भी चीज नहीं देखी पहले। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसने नीले कलर का पेंट लगाया हो। नहीं नहीं सर, वो इंसान नहीं था, वो एलियन था। और अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा तो ये लोग भी थे, इन्होंने देखा था, इन लोग से पूछ ली। हाँ सर, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस तरह इनके हस्बैंड का खून क्यों करता? हाँ सर, वो एलियन जैसा ही था। जिस तरह की कटकाटे की बात आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा पत्थर उठाना संभव ही नहीं। सर इतनी मैं कह रही हूँ कि वो इंसान नहीं, वो कोई एलियन है। अभिजीत, इनकी बात में पॉइंट तो है, ये पत्थर इनमें से कोई नहीं उठा सकता। लेकिन यार ये एलियन वाली थ्योरी, इस पे बिलीव करना मुश्किल है यार, ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो सीमा ने कहा कि अरविंद ने उस चीज की फोटो खींची, अगर इस कैमरा का डेटा कार्ड मिल जाए तो शायद हम उसका चेहरा देख सकते हैं। कैमरे की तो ये हालत है, सीमा जी आप हमें उस जगह ले जा सकती हैं जहाँ पे आपने उस चीज को पहली बार देखा था? जी सर, आइए। पंकज तुम यहीं पे रुको, जितने एविडेंस हैं इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, ठीक है? सर आप सब जा रहे हैं, मैं अकेले रुकूं? क्यों, तुम्हें भी लगता है कि खून एलियन ने किया? अरे नहीं सर, एलियन नाम की चीज थोड़ी होती है। वैसे भी तुम बहुत बहादुर हो। जब देखो मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते। सर ये चमड़ी तो नीली है। समझे, अपने आप को बचाने की कोशिश में बेचारे ने हाथापाई की होगी, और इसी हाथापाई के चक्कर में खूनी की चमड़ी इसके नाखूनों में फंस गई। बस ये देखो सर, मतलब वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी ने डाई या रंग लगाकर डराने की कोशिश की है। एक काम करते हैं बॉस, इस चमड़ी को एनालाइज करके देखते हैं, अगर कलर या डाई होगा तो पता चल जाएगा। चमड़ी पर ना तो कलर है ना डाई है, ये तो चमड़ी ही नीली है। चमड़ी ही नीली है, अरे कैसे हो सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा बॉस। सर इधर। सर ये हम लोग वहां पर थे और अचानक से आवाज आई, हमने देखा कि झाड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है, और वहां पर एलियन था। इधर ही ये? सिर्फ 4 उंगलियों के निशान क्यों है? मैं सच कह रही हूँ, वो कोई इंसान नहीं है, एलियन है सर वो। लेकिन ये खून किसका है? अरविंद पे हमला तो वहां पे हुआ है ना, उसकी लाश तो वहां पड़ी है, ये किसका खून है? मतलब सर
एलियन ने अरविंद के अलावा किसी और को भी अपना शिकार बनाया सर? एलियन नहीं है फ्रेडी। तो फिर अभिजीत, ये नीला रंग, ये सिर्फ चार उंगलियां, छोटा कद, इतनी ज्यादा ताकत, ये सब क्या है? और अब तो डॉक्टर सालुंकर ने भी प्रूव कर दिया है कि वो नीली चमड़ी वो रंगी हुई नहीं है, स्वाभाविक रूप से नीली। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो हो गई। हो सकता है जीन म्यूटेशन, किसी वैज्ञानिक की सनक, कोई गलती, कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, क्या था उसकी आंखों में सर? उसकी आंखें नीली थी और एकदम डरावनी थी वो। बस ये खून किसी एलियन का नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान का खून है और इसमें किसी किस्म के कोई म्यूटेशन के लक्षण नहीं। क्या ये आदमी है या औरत, पता कर सकते हैं? आदमी है दया, आदमी का खून। अच्छा, इस खून का डीएनए और वो नीली चमड़ी का डीएनए, क्या दोनों मैच होते हैं? नहीं, दोनों डीएनए एकदम अलग है। यार तो फिर इसका मतलब है कि नीली चमड़ी वाली प्राणी ने अरविंद के अलावा और भी किसी को मारा है। अच्छा सर, ये नीली चमड़ी का राज क्या है, कुछ पता चला? ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो बात पता चली है वो बड़ी अजीब है। क्या? बस उस नीली चमड़ी में मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर, चांदी मिली। क्या हुआ फ्रेडी, कुछ मिला कि नहीं? सर कैमरा बिल्कुल चूर चूर हो गया है, लगता नहीं है डाटा कार्ड मिलेगा। मिल गया सर, मिल गया, डाटा कार्ड का चेंबर मिल गया। अरे चेंबर के अंदर देखो भाई, कार्ड चाहिए कार्ड। एक मिनट, सर ये तो खाली है। अरे जब ये कैमरा तोड़ा गया तब इसमें कार्ड नहीं था। मतलब कार्ड खूनी के पास है? मुझे नहीं लगता कार्ड मिलने के बाद खूनी कैमरा तोड़ने में वक्त बर्बाद करेगा। मुझे लगता है कार्ड जंगल में कहीं गिर गया जब अरविंद भाग रहा था। फिर अभिजीत, किसी भी हालत में हमें ये कार्ड ढूंढना ही होगा, क्योंकि ये कार्ड ही हमें उस नीले रंग के प्राणी तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये अरविंद पे हमला यहीं कहीं हुआ था, इसी एरिया में। फिर तो वो चिप यहीं कहीं होनी चाहिए। सर ये चिप की हालत तो बहुत खराब है। आई होप ये चल जाए। सिर्फ देखो मत पूर्वी, देखो मत, चलाओ, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, चलाओ उसे। किसी भी हालत में चलनी चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर चल गए। सर ये देखिए, ये कल की डेट का फोल्डर है, इसमें कुछ मिलना चाहिए। ये आखिरी फोटो जो है उसको देखना जरा। सीमा सही कह रही थी सर, ये बच्ची तो वाकई नीली है। ये क्या हो सकती है सर? ये तो पक्का एलियन है। फ्रेडी ये एलियन नहीं है बॉस, ये एक इंसान है और इसकी ये हालत एक खास किस्म की बीमारी की वजह से हुई है और उस बीमारी का नाम है अरुग्रिया। ये कैसी बीमारी? बस कुछ लोगों के शरीर में
चांदी के धूल की वजह से एक खास किस्म का रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उनकी चमड़ी नीली पड़ जाती है। आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि उस नीली चमड़ी में मुझे चांदी के अंश मिले। ये रिएक्शन उसी बीमारी की वजह से। इस लड़की की आंखें भी नीली हैं। इसी रिएक्शन की वजह से। लेकिन सर एक 12-13 साल की बीमार बच्ची लोगों का खून कैसे कर सकती है? हाँ सर, सर जरूर इसके साथ कोई और भी मिला हुआ, वरना एक बच्ची इतना भारी पत्थर कैसे उठा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लड़की खूनी है, इसने खून किया है। नहीं क्या सालों के कुछ और मिला होगा तो बता देना यार। बस इस लड़की को ये बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 साल हुए हैं बस। 2 साल पहले मैंने खबर पढ़ी थी यार। कौन सी खबर? सर उसमें था कि जंगल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कारखाने हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। उसमें एक कारखाना सिल्वर प्लेटिंग का भी था। और भी जरा चेक करो। हाँ सर, कारखाना है तो जहाँ पर वो लड़की मिली थी उसे 2 किलोमीटर दूर। बस तो फिर समझ लो अब इस बंद कारखाने को खुलवाने का वक्त आ गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखो किसी ने यहां बहुत मेहनत की है, इस जगह को सालों बंद दिखाने की कोशिश की है। ये ग्लास के निशान, यहाँ पर लगता है काफी लोग मौजूद थे। हो क्या रहता है यहाँ पे? ये यहाँ क्या तोड़फोड़ की है? यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ बंधा था क्या कोई? ये कुछ निशान समझ में आ रहा है? लगता है कोड वर्ड में कुछ लिखा है। अभिजीत ये देखो फोन है, ज्यादा पुराना नहीं है। आपसे ही फोन पर बात हुई थी ना? जी हाँ। आप कुछ निशानों के बारे में जानना चाहते थे? ये हमें कुछ निशान मिले हैं। मेरे ख्याल से तो ये कोई निशान नहीं, भाषा लगती है। हमारे यहाँ के लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, उनके पास ले चलती हूँ, वो बताएंगे इसके बारे में। जी। अंशुल ये CID से हैं। हेलो सर। और सर ये हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट। बैठिए। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अंशुल देखो ये क्या है। ये तो तिब्बतीन लैंग्वेज है। तिब्बतीन लैंग्वेज? हाँ सर। क्या लिखा, क्या बता सकते हैं? एक मिनट सर, मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। सर ये जिस किसी ने भी लिखा है वो बड़ी मुसीबत में है। I mean, इसका मतलब है help. My God. और वो नीचे कुछ सिंबल जैसा है, वो क्या है? सर ये किसी तरह का कोई कोड है पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। I'm sorry. नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। बस कारखाने में जो खून मिला है वो इस लड़की के हाथ पर लगे हुए निशान के खून से मैच होता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने कारखाने में किसी को जख्मी कर दिया? सर हो सकता है अरविंद की तरह इसने वहां पर भी किसी पे हमला किया। लेकिन ये हमला कर क्यों रही है? हेलो आओ जी। क्या? ठीक है सर, अभिजीत का फोन था, दीवार पे कारखाने के दीवार पे हेल्प लिखा था। सर शायद ये हेल्प इसी लड़की ने लिखा, ये वहां पर कैद हो फिर इसने हमला किया
और वहां से भाग निकले। एक काम करो, किसी अच्छे ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस नीले रंग के अंदर छुपा हुआ असली चेहरा निकलवाओ। जेरी, पहले इसके चेहरे का नीला रंग साफ करो। आप चिल करो सर, अब तो परेशान क्यों है, एक ही मिनट का काम तो है। अपने काम पे ध्यान दो, ज्यादा बात मत करो। कौन सर, चिल। इसकी उम्र थोड़ी कम करें क्या? सारों के साथ बता रहे थे कि 2-3 साल से बीमार है लड़की। जेरी, 2 साल से उम्र कम हो सकती है इसकी? कौस होगा सर, आप बोलिए तो सही। पूर्वी, अब जरा इंटरनेशनल डेटाबेस चेक करो, देखो ये चेहरा है क्या, और इंटरपोल से भी पता लगाओ, हो सकता है पिछले 2-3 सालों में किसी ने रिपोर्ट किया हो। सर, नो मैच, और उम्र 2 साल कम करके देखो। पूर्वी, अब चेक करो। यस। बच्चे का नाम कृपा है सर, और 4 साल पहले खो गई थी। हाँ, इसके माता पिता को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर जी, हमारे छोरी को बारे में क्या पता लग गयो? सर ये बोल रहे हैं कि क्या आप हमारी बेटी के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ। अब ये देखिए, हमें लगता है कि ये आपकी बेटी कृपा ने लिखा है। इसमें पहला शब्द है हेल्प और दूसरा शब्द क्या है हमें पता नहीं, क्या आप बता सकती हैं? हमने लाचा जो हुजूर की छोरी कृपा कर लिखाई हो, फर्स्ट शब्द हेल्प छा, तारा अर को बुझिए ना, हुजूर बताना सकना हूँ छा। मेरी छोरी तो पूरा घर ना सकते ही सकती ना, इशारा ले पूरा घर छे, मेरी छोरी तो लाठी होनी पूरा घर नहीं सकते ही ना, मेरी छोरी को तो तिब्बत बाट ले रहा है को धर्म पुत्री बनाए को होनी, तिब्बती भाषा में के लेखे को था मतलब सब पे था से मैं भन्न सकछु खाल्टो में गाड़नु। सर वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी बोल नहीं सकती। क्या? ये उसकी खास संकेतिक भाषा है जो कि तिब्बतियन में है, और ये बोल रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की को तिब्बतियन से गोद लिया था, इसलिए भाषा को समझते हैं। सर ये लिखा है गहराई। गहराई? हेल्प गहराई, बच्ची ने ऐसा क्यों लिखा होगा? तो ये क्या लिखा है ये तो उस सिल्वर फैक्ट्री में जाकर ही पता लगेगा। पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। सर लगता है ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। पूर्वी, गोली मारी है क्लोज रेंज से। कौन सी जगह है ये देख रहे हो? इतने सारे गद्दे हैं यहाँ पे। सर, हाँ? काजू किशमिश के डब्बे, लगता है सब के सब खाली है। हाँ सर, खाली है। ओह नो, छोटे बच्चों के जूते, लगता है कृपा के अलावा यहाँ और भी बच्चे थे। ये कोई रैकेट लगता है।
सर हमें इन बच्चों तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। पहुंचेंगे पूर्वी, इस आदमी की लाश हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सर जिस आदमी की लाश हमें मिली थी उसका नाम श्याम है और वो जेसी कॉलोनी में रहता है। छान मारो पूरे घर को, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, बच्चों की फोटो। अरे अरे कौन हो आप लोग और अंदर कैसे आए? एक मिनट मैडम, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पता था मुझे श्याम अच्छा आदमी नहीं है। शक था मुझे कि उसके लक्षण ठीक नहीं, यानी मैंने क्यों उसे अपना घर किराए पे दिया। तो श्याम के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्या करता था, किससे मिलता था, कोई घर में आता हो मिलने? काम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ विदेश बहुत आता जाता था। विदेश? बेटी घर में जरा चेक कर लो, कुछ पासपोर्ट या बैग वैग मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है सर, और विदेशी टैग लगा इस पे। विदेशी टैग? घर में बच्चों की इतनी सारी फोटोज और अक्सर विदेशों का दौरा, ये तो बच्चों की तस्करी का मामला लगता है। पूर्वी पिछले दो सालों से इस फैक्ट्री में जो कुछ भी चल रहा है उस रैकेट से जुड़े हुए लोग वहां रहते भी होंगे, उनके पास मोबाइल फोन भी होंगे, है ना? एक काम करो, पता लगाओ पिछले दो सालों में कितने मोबाइल फोन एक्टिव हो गए उस एरिया में। है? सर उन बच्चों की किडनैपिंग का कारण पता चल गया सर, कैमल रे। कैमल रे? ये शाम पिछले दो साल में कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा चुका है सर, और वहाँ पे ऊंट के रेस में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। सर ज्यादातर तो छोटे बच्चों का इस्तेमाल होता है, पर ये कृपा 12 साल की है। सर हाँ, सर ये कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो फैक्ट्री के आसपास पिछले दो सालों में एक्टिव रहे। और इस वक्त ये नंबर कहाँ पर एक्टिव है? बंदरगाह के पास वाले कंटेनर यार्ड में एक्टिव। हजारों कंटेनर सर, किसी भी एक कंटेनर में बच्चे हो सकते हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सब लोग फैल जाओ। कंटेनर मिल गया। मिल गया? यहाँ इस यार्ड के नॉर्थ ईस्ट में सर एक ब्राउन कलर का कंटेनर है, लगता है बच्चे उसी में। नहीं अंकल, नहीं नहीं अंकल, नहीं अंकल, नहीं प्लीज। यहाँ पे भी दो लोग हैं। क्या? अच्छा सुनो, ऐसे अटैक मत करना, समझे? उन लोगों को वहां से हटाना होगा।
हटाना होगा, बच्चों की जान की झुकी में हम नहीं ले सकते अभिजीत। सर इनको यहाँ से दूर करने का एक रास्ता है। मुझे पता है कंटेनर के अंदर क्या है, अब तुम सब के सब गए। ए, रे, ये खबरी है क्या ये? पकड़! पकड़! ये तो खाली है। दया, ये कंटेनर देखा, कितना लंबा है, अंदर से इतना छोटा क्यों? बच्चे का है, ठीक है? हाँ सर, बच्चा ठीक है। गुड। बच्चों को नशीली दवाई दी गई है। क्या? हाँ सर। सर, सर उन बच्चों में कृपा नहीं है। उठ, उठ। कृपा कहाँ है? कौन कृपा? मैं नहीं जानता। वो बच्ची कृपा, जिसका रंग नीला था, कहाँ है वो? उसे तो मैंने बंदरगाह भेज दिया। वैन में बैठाकर अब तक तो वो विदेश पहुंच गई होगी। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं।
टेम्पो का नंबर बताया उसने? रुको रुको, देख वो रहा टेम्पो। सर कृपा तो यहाँ भी नहीं है। कृपा यहाँ नहीं है तो फिर कृपा कहाँ है? ए, पैरा। आ बच्चो, इधर है वो। सब वो उधर गए। गाइड बनकर दुनिया का धोखा दे रहे थे। ए, आगे मत बढ़ना वरना से गोली मार दूंगा मैं। खबरदार, अगर बच्ची को कुछ हुआ ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। क्या करोगे तुम्हें? क्या करोगे तुम? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? इसकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया, इसकी वजह से तुम मुझे पकड़ने आ गए। इसको तो मैं जान से मार के छोड़ूंगा। सब कुछ इतने आराम से चल रहा था, इस कारखाने में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस लड़की की वजह से सब प्रॉब्लम हो गई। इसने मेरे आदमी को मार दिया, उसको घायल करके जंगल में भाग दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या करूं? वो तो अच्छा हुआ मेरा आदमी मन्नू वहां पे आ गया। रुको, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा? अरविंद, इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मन्नू को उसे मारना पड़ा। अरविंद कहाँ हो तुम? अरविंद हम आ रहे हैं। गाइड का काम तो मैं दिखावे के लिए करता था, और जंगल में जो भी हो रहा था ना मुझे सब चीज की खबर थी, लेकिन इस लड़की ने सारा काम बिगाड़ दिया मेरा। शर्मानी चाहिए तुम्हें, पैसों की लालच में तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्करी करते थे, परदेश भेज दिया उन्हें पैसों के लिए। ऐसी घिनौनी हरकत, अरे तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। बच्चों के माता पिता को बुला लिया, आ जाएंगे वो लोग। सर खुशी की बात यह है कि ये बच्चे पहले की तरह नॉर्मल और खुश लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे जो हैं इसीलिए तो इतनी आसानी से इतने बड़े हादसे में से निकल आए। लेकिन ये बेचारी कृपा, ये अभी भी सदमे में है सर। सर सर वो टीवी लगाइए ना सर, कार्टून देखेंगे ना बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सर, कार्टून लगा दे सर। ऐसा है ये नजारा, मजे का माहौल है सारा। लेकिन गुरु यहाँ तो सभी राइड्स उल्टी पुल्टी। डॉक्टर ने कृपा की बीमारी के बारे में क्या बताया? सर डॉक्टर का कहना है कि इलाज अगर अच्छे तरीके से और पूरा किया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी सर। अरे ये एम्यूजमेंट पार्क है मेरे यार, चलो खेलते हैं। मेजर डैशिंग कार चलाएगा, कार चला, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट। क्या? ऐसा है क्या टीवी पर जो बच्चे इतने खुश हैं? सर ये सोनी ये है,
बच्चों का नया कार्टून चैनल। अच्छा, सोनी ये बच्चों का सबसे फेवरेट चैनल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।